आपको बुरे सपने बहुत आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है बाइबल में हम जानेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उन वीडियोस का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। बुरे सपने या जिसको इंग्लिश में नाइटमेयर्स कहा जाता है, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रॉमा, मतलब बहुत सारा डर को उत्पन्न करने वाला या खौफ को उत्पन्न करने वाले सपने। बहुत जनों को डरावने सपने और खौफ से संबंधित सपने आते हैं। कभी कभी ये सपने परमेश्वर की ओर से आते हैं, और कभी कभी ये सपने दुष्ट आत्मा की ओर से आते हैं। अधिकतर ये सपने दुष्ट आत्मा की ओर से आते हैं। उस समय में हमें क्या करना है? उस समय में हमें ज़रूर प्रार्थना करना है, और हमें पता करना है कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। बजट संहिता 34:18 में कहा है कि परमेश्वर लोगों के करीब रहते हैं जिनका मन टूटा हुआ है और डरा हुआ है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि रूट सोर्स क्या है। क्या आपने कोई ऐसा गलत काम किया है, या गलत चीज़ बोला है, या आपने कुछ ऐसा द्वार खोला है जिसके द्वारा ये सपने आपको आ रहे हैं? तो तुरंत आपको उसके लिए पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। डरावने सपनों में दूसरा कैटेगरी का जो सपना होता है वो है एंग्जाइटीज, एंग्जाइटी वाले सपने, जिसको कहा जाता है इंड्यूस्ड नाइटमेयर एंग्जाइटीज। इस एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंताएं। ये सपना आने के बाद आपको चिंताएं होने लगती हैं। इस सपनों के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी कभी ये सपने आपको याद रहते हैं, कभी कभी याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो चिंताएँ रहती हैं। ऐसे समयों में आपको क्या करना है? ऐसे समयों में आपको पहला पत्रस 5:7 को याद करना है, जो परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझे दो क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। हमारी सारी चिंताएं देने वाली प्रार्थनाएं करना है। तुरंत वहीं पर प्रार्थना कर हमें बोलना है, परमेश्वर इस सपनों के द्वारा मुझे बहुत चिंता हो रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी चिंता आपको दे रहा हूँ। परमेश्वर को खोजना बहुत ज़रूरी है ऐसे कठिन समयों में, क्योंकि परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं। जब ऐसे सपने आते हैं, डरावने सपने या चिंता वाले सपने, तो तुरंत प्रार्थना के साथ साथ और एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रोक्ष करना है अपने ऊपर। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके आत्मा, शरीर और मन के ऊपर प्रोक्ष करना बहुत ज़रूरी है। बहुतों को मैं एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ कि एक अच्छा सा प्रोत्साहित परमेश्वर का वचन, जिसको पढ़ने से आपको धैर्य मिलता है, वो ठीक उस सामने वाले दीवार में चिपका के रखिए जहाँ आप सो रहे हैं। जैसे कभी भी ऐसे डरावने सपने आते हैं, तो तुरंत आपका नज़र उस वचन पर गिरना चाहिए, और जैसे उस वचन को आप अपने ऊपर घोषणा करेंगे तो वो डर आपके अंदर से चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, शैतान दुष्ट आत्मा को छोड़ता है ताकि वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के ऊपर निगरानी रख सकें। ऐसे समयों में भी ऐसे सपने हमारे जीवन में आते हैं। डर या कोई पाप या किसी भी प्रकार का द्वार खोला जाना, इसके कारण से ऐसे सपने हमारे जीवन में आते हैं। अगर आप कभी भी डर से और ऐसे कोई डरावने सपने से बीच में उठ गए, तो आप याद रखिएगा, एक छोटा सा प्रार्थना कीजिएगा और उस डर को प्रभु को समर्पित कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू को आपके ऊपर प्रोक्ष करना ना भूलिए। मैं तो ये भी बोलूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जब आप अपने ऊपर प्रोक्ष करेंगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पूरे कमरे को ढाकने के लिए और पूरे घर को ढाकने के लिए और पूरे मोहल्ले पे प्रभु यीशु मसीह का लहू आए कर आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करोगे तो तुरंत वो डर के सपने के द्वारा उत्पन्न होने वाला सारा प्रभाव क्षण में ही टूट जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य और ताकत है।